Osama bin Laden. Mr. President, do you have any proof that he is dead? إن أمريكا ستعاقب لهجل ما قامت به من مظالمها في العراق وأفغانستان. तेरे बिन लादेन टू। नमस्कार दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं 26 फरवरी को रिलीज होने जा रही हिंदी फीचर फिल्म तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव फिल्म के स्टारकास्ट के साथ। जी हाँ, तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव की स्टारकास्ट आज फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची हुई है। तो आइए जानते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई टीम का क्या कहना है। मुहूर्त शॉट एंड एक्शन। अरे कटे, कोई इसको नीचे उतारो और रुक के बोलना ना, सुपरमैन बनाता है। उनका देर से फटा यार, एक और लेके जाओ। लेग पीस इकट्ठे कर ली, नाश्ता तो करिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम थोड़े से पागल वैसे ही हैं सारे के सारे, तो ये फिल्म भी काफी वैसी है। तो आई जस्ट कनेक्टेड विद द कैरेक्टर एंड दिस वाज लिटरली अ ड्रीम रोल दैट अभिषेक एंड प्रद्युमन बोथ यू नो हैव मेड एंड आई गॉट लकी टू प्ले। सर आप इतने टैलेंटेड हैं, हम आपको बार-बार स्क्रीन्स पर देखना चाहते हैं। अरे तुम्हारा नाम क्या है? आई जेन्युइनली लव यू ब्रदर, यू वांट टू मेक कांटेक्ट विद ओसामा? नो सर। ओके सर, एक सवाल अभिषेक सर के लिए भी है। एक्चुअली वो मनीष सर भी शायद पूछना चाहते होंगे आपसे, सर ये लीड एक्ट्रेस क्यों रखते हैं आप इस मूवी में? ये इनको समझाओ। बड़ा इन्होंने तू हीरो है फिल्म का, तू हीरो, मैं खुश मिल गया था हीरोइन को रखे, तेरे तरह सारे सारी फिल्म में ये पत्ती है ये। और ऊपर से जले में नमक छिड़कने के लिए मुझे बाद में इन्होंने ये भी बोला बेटा तू टेंशन मत ले, ये ऐसी बात करते हैं, मैंने भी फिल्म में ऐसे किया है। बेटा तू टेंशन मत ले, तेरा इसमें ना एक बाथरूम सीन भी है। मैंने कहा चलो शुक्र है। मैंने कहा सर किसके साथ है? कहते पत्ती के साथ। So that's why there's no space for a love story, and I don't like to unnecessarily, you know, because Bollywood mein aisa hota hai ki you have to have a love story, that you have to create one. So that's why I never felt the need. And mujhe lagta hai kahin na kahin zabardasti ye love story jo thop dete hain film mein, to uski pace ko bhi slow karti hai. Jaise pehle tere bin laden thi, aap dekhenge iski bhi pace bahut achhi hai. From shuru se it goes in a very good speed, it makes you laugh, it's a crazy film and you're out. So that's how I think the film should be. It's like music, you know. You should not have, unnecessarily, you should not break that melody. The guy in the film looks exactly like Osama. Mr. President, I'm gonna get you. You're dead, Osama bin Laden. Myself, David Chitta. Hollywood producer. हम आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। करना की है? मरना है जी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में बहुत ही मजा है, क्योंकि फिल्म लीक से हटकर है, क्योंकि इस तरह की फिल्में बहुत ही कम आती हैं और एक नया एंटरटेनमेंट पब्लिक को देकर जाती है। ओके कोई उस क्लास से बैठेंगे, दिल पुट हिम इन द चॉपर, फ्लाई अवे एंड थ्रो हिम इन सी एंड ब्लैक आउट। एस्थेटिकली शूट करेंगे, बरसात की रात, ठंडा ठंडा। कट टू अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये कॉमेडी तो वो एक्सपेरिमेंट हम कर पाए, क्योंकि हम आपको हंसा भी रहे, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो आपने पहले देखा नहीं है। इट्स अ न्यू नैरेटिव स्ट्रक्चर, इट्स अ स्पिन ऑफ, इट्स नॉट अ सीक्वल एज सच, एंड इट्स नॉट लाइक आई सेड, इट्स नॉट इन कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन। अली की कहानी नहीं है और ना ही वहाँ से शुरू होती है। ये शर्मा की कहानी है जो एक फिल्म मेकर है, एंड कैसे वो पहले तेरे बिन लादेन के साथ जुड़ती है एक बड़े यूनिक वे में, वो आप पिक्चर देखते समय महसूस करेंगे पहले 15-20 मिनट में उस सेटअप में। बट इट्स अ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर विच आई थिंक नाउ इंडियन ऑडियंस इज मैच्योर्ड इनफ टू अप्रिशिएट। है बेटर बंदूक है, आ
I think, see, I'm an actor. And for an actor, it totally depends what kind of roles are offered to him. So right now, I think people are happy giving me lighter roles, comedy roles. But yes, there are people who are giving me some intense roles also. There are some scripts coming my way. But I think as an actor, I would like to do everything. I would like to explore action. I would like to explore romantic roles, comedy, everything. But I don't think I want to restrict just to comedy. In fact, जो लोग दे रहे हैं roles, वो यही बोल के दे रहे हैं कि हाँ यार comedy तो हम जानते ही हैं, आप करते हो. But why not try something else? So और जहाँ तक बहुत challenging role की बात है, I don't know yet कि कौन सा बहुत challenging होगा. Because as an actor, I feel कि मैं मुझे जो भी role दो मैं कर सकता हूँ. So I feel happy with that. And अभी देखते हैं कौन सा role आता है. आप मुझे किस role में देखना चाहेंगे? आपकी आंखों में मुझे पहली रोमांटिक. ओह माय गॉड. कभी सुसाइड बॉम्बिंग जैसी किस चीज की जरूरत हो, ये मेरा कार्ड है. और हमारी कोई ब्रांच नहीं है. दुनिया को एक पैगाम देना है. मैं उसामा बिन लादेन का विजन था. वो उसामा सर, वो उसामा कह रहे हैं कि वो जिंदा है. मैं तुम्हें मारा जीवता हुआ नहीं खुशखबरी दऊं छु. अल्लाह के नाम पे डोनेशन दे दे बाबा वगैरह वगैरह. Can I just add one thing? As somebody who works on comedy constantly, I can just tell you this, and I've worked with actors very closely in last three films. Comedy is, because logon ko lagta hai ki hum aapko hasa rahe hain halki phulki film mein, lekin comedy is the most difficult craft for an actor. Sikandar is here, you know, he is a testimony to that. I mean, he has worked, I think this is your hardest role that you've ever done, Sikku. As David do something, David Chatta. So, आप देख रहे हैं दुनिया के जितने भी बेहतरीन एक्टर्स हुए हैं वो कॉमेडी में बहुत अच्छे हो रहे हैं. चाहे वो हिंदुस्तान में बच्चन साहब हो, चाहे वो पीटर सेलर्स हो, चाहे वो यू नो फॉर दैट मैटर इवन दिलीप साहब हो जब उन्होंने राम और श्याम और उस तरीके में करी. सो कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है एक्टर के लिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा उस समय नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं इमोशनली. यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल योर यू नो इशूज. यू हैव टू मेक पीपल लाव. And if an actor can do that very well, I think he can do anything. I'm not demeaning or downgrading other genres, but I think comedy is the supreme genre. So bow down to the gods out here. So I think if they are good in comedy, they'll be brilliant in other roles as well. I'd like to add here, sir, you said that comedy karne ke liye इंसान को बिल्कुल नंगा होना पड़ता है. तो आप इसमें चार पांच नंगे आदमी देखेंगे. Because हमने बहुत comedy करी है इसमें. So I hope आप सबको ये पसंद आए. मुझे ओसामा जिंदा चाहिए. ऊपर ले, ऊपर ले. नहीं नहीं मैं नहीं बनना और ओसामा. तू मरदा क्यों नहीं है? तू मेरे छाती पे मुंह गड़ रहा है नवाबजादे. तुझे एक्टर किसने बनाया? जी करदा है जी मैं तुझे ठोक दूं. बीसीआर न्यूज से बातचीत के दौरान तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव की स्टार कास्ट ने कुछ इस अंदाज में बात की कि आप भी हैरान हो जाएंगे. नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है. और आज हम मौजूद हैं तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव की स्टार कास्ट के साथ, जो कि 26 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. तो आइए जानते हैं कि लादेन इस फिल्म में हंसा रहे हैं या डरा रहे हैं हमारे दर्शकों को. लादेन जी, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत. और आपकी ये फिल्म आ रही है तेरे बिन लादेन डेड अलाइव, ये क्या इस तरह की मूवी है? आप इस मूवी के अंदर हंसा रहे हैं या रुला रहे हैं? देखिए, इस फिल्म में हम रो रहे हैं लेकिन लोगों को हंसा रहे हैं. तो ये हो रहा है इस फिल्म में. बिल्कुल भी सीरियस फिल्म नहीं है. जैसे कुछ लोगों ने तेरे बिन लादेन जैसे उन लोगों ने तेरे बिन लादेन देखी थी. मैं हूँ सिकंदर. ये है सिकंदर. अभी धीरे धीरे हमारे और स्टारकास्ट ज्वाइन कर रही है. हमारे डायरेक्टर साहब नहीं है, ये डायरेक्टर है. हमारे जिनका नाम है मनीष. जैसे तेरे बिन लादेन आपने फर्स्ट पार्ट देखी थी, हम सब आपकी लगाई इसमें डबल डोज. देखिए, हम बहुत कुछ कर रहे हैं इससे. ये हमारे तीसरे यानी कि पहले या दूसरे, ये आप डिसाइड करिएगा. ये पीओ बॉक्स नंबर 4545 भेजिएगा. एसएमएस करिएगा मनीष पॉल. मनीष पॉल को लीड रखने के लिए इस फिल्म में आप टाइप कीजिए. यस, ये ट्रिपल. मगर बॉस ये फिल्म तो
बन चुकी है, हमारी डायरेक्टर का ये हाल है, ये लास्ट तक एडिट करते रहते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बट आप एक बड़ा कमाल का काम कर सकते हैं, वो कमाल का काम ये है कि अपनी लाइफ में खुशियाँ लाओ, एंटरटेनमेंट लाओ। और वो कैसे लाओगे, 26 फरवरी को आओ और देखो हमारी फिल्म तेरे पर लाते हैं डेड और लाइव, कमाल एंटरटेनमेंट। आप जरूर आना, आप प्लीज अपने पूरे फैमिली को ले जाइएगा। बाकी ये फिल्म क्या मैसेज दे रही है या नहीं? नहीं, नहीं, हम मैसेज नहीं देते, बेसिकली जस्ट अ कमेंट ऑन द टाइम्स। मैसेज तो डाक, अब तो पोस्ट ऑफिस बंद हो गए सर, अब आप मैसेज डायरेक्ट, हाँ इस पे भेज सकते हैं, इसमें मैसेज मोबाइल पे भेजिए मैसेज। इस फिल्म में मैसेज नहीं दे रहे पर हम मसाज जरूर दे देंगे बरसात की रात है, ठंड ठंड, अमरीकी हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर साइलेंट है, साइलेंट है, साइलेंट कर देते हैं बेटर। ये हमारे 500 तेरे, थैंक यू सर, थैंक यू, हमारे 500 हो गए, हमारे 500 देखा दर्शकों। अब मेरे साथ फोटो है तेरे बिन लादेन की स्टार कास्ट जो 26 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। बीसीआर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ आफाक खान समीर, दिल्ली।